भारत अपनी संस्कृति लिए दुनिया भर में जाने जाता है। देश में मनाए जाने वाले हर त्यौहार इतने कई रंग देखने को मिलते हैं। साल भर में कई त्यौहार सैलीब्रेट किए जाते हैं। कुछ देवी देवत्या समर्पित होते हैं तो कुछ भैन भरा के रिश्तों। इन्हां विचों एक ही एक है रखड़ी ते भाई दूज। दोवें ही त्यौहार भैन अपने भरा की लंबी उम्र की कामना करती है, पर भारत में एक अजिहा सूबा है जिथे भैन भरावां नूं मरण का श्राप दिंदियां ने। तुहानूं भी सुन के अजीब लगा होगा, पर यह पूरी तरह सच है। आओ जानते हैं इस बारे। अगस्त का महीना शुरू हो गया है तो इसे महीने में रखड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। उंज तां रखड़ी के दिन भैन अपने भरावां की लंबी उम्र की कामना करदियां ने, पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भैन भरावां नूं मरण का श्राप दिंदियां ने। जशपुर जिले में एक खास भाईचारे दीआं लड़कियां भाई दूज दे दिन सवेरे उठ के भरावां नूं मरण का श्राप दिंदियां ने। इस तों बाद भैन अपनी जीव ते कंडा चुपाउंदियां है। श्राप देण दे जीव ते कंडा चुपाउण पिछे मानता है कि अजिहा करन नाल भरा भैन का प्यार अटुट बनिया रहिंदा है। बाद विच भैन अपने भरावां दे मत्थे ते तिलक लगा के उसकी सुख खुशहाली की कामना भी करती है। इत्थे भरावां नूं श्राप देण दी परंपरा सालां तों चली आ रही है। इस दे पिछे मानता है कि एक बार यमराज किसी अजिहे व्यक्ति दे प्राण लैण आए सन जिसकी भैन ने अपने भरा नूं कदे भला बुरा ना किया होवे, तां ना ही उसनूं कोई श्राप दिता होवे। बहुत देर बाद लभण ते यमराज नूं आखिरकार एक अजिहा व्यक्ति मिल गया जिसकी भैन ने कदे उसनूं गाल या श्राप नहीं दिता सी। उन्हां दोवां भरा भैन का बहुत प्यार सी। यमराज उस व्यक्ति नूं लिजाण दी योजना बना रहा सी कि इस गल की भणक उसकी भैन नूं लग जाती है ते उह अपने भरा नूं बिना वजह बहुत गाला कढ़दी है ते श्राप दिंदी है। इह सुणदे ही यमराज हैरान हो जांदे ने ते उन्हां दी इच्छा पूरी नहीं हुंदी ते उन्हां नूं खाली हाथ ही वापस परतना पैंदा है। उदों तों ही जैशपुर जिले विच इह प्रथा चली आ रही।